वक्त हम लोग मध्य प्रदेश पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के चुनावी हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस बार किस मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश पर चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान आया PFI और सिमी को लेकर के, कहा गया 95% जो केस लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, वो गलत हैं। क्या इस मुद्दे को, इस बार चुनाव को फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है, या इस बार यहाँ की जनता फिर से विकास के मुद्दे पर वोट देगी? लोगों से ही बातचीत करेंगे। इस बार हमारे साथ माइनॉरिटी के तमाम सारे लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हफीज खान, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भोपाल में मैं निवासरत हूँ। बोलिए, पूछिए साहब। आप किसान कांग्रेस के हैं, आपको क्या लगता है ये सरकार कैसी चले? भाई साहब, इस सरकार में ये हो रहा है कि जो 400 रुपये की किसानों को बोरी खाद की मिलती थी ना, वो आज 1600 की हो गई है, और ये 2000 रुपये किसान को डाल देते हैं। और जो डीजल का रेट है ना, वो पहले 65 रुपये हुआ करता था, वो आज 100 रुपये है। आज किसान को 10 रुपये दे रहे हैं और 100 रुपये उससे लूट रहे हैं, ये इस सरकार में हो रहा है। और जबकि इनका कहना क्या था, 2022 और 2023 में किसान की आय डबल कर देंगे। किसान आज फांसी लगा रहा है, पेड़ों से लटक रहा है। फिर हम यही सवाल पूछेंगे, तो फिर आप फर्जी में भड़केंगे। आप कह रहे हैं 22 तक आए दोगुनी करने की बात कही गई थी, 18 में सरकार तो आप ही लोगों की बनी थी, और कहा गया था 10 दिन, कहा गया था 10 दिन में कर्जा माफ किया जाएगा, माफ हो गया था। लाइए ना, कर्जा माफ कमलनाथ जी कर रहे थे, 3 किस्तों में कमलनाथ जी कर्जा माफ कर रहे थे। पहले 50,000 कर रहे थे, फिर 1 लाख वालों का, फिर 1.5 लाख वालों का। 10 दिन में बोला गया था, 1, 2, 3, 4, 10 दिन में कर्जा माफ। अरे 10 दिन का कह रहे हो, कमलनाथ जी ने शपथ ली जैसे ही साइन करके कर्जा माफ करने का वो कर दिया था, घोषणा कर दी थी कमलनाथ जी ने। मगर इनने क्या है, सिंधिया जी के चक्कर में आके कुछ विधायकों को 35 करोड़ 50 करोड़ में खरीद के सरकार को गिरा दी गई। नहीं तो कमलनाथ जी तो 5 साल में इस मध्य प्रदेश का, भारत का नक्शा बदल देते। बिक गए कांग्रेसी, बिक गए। लाइए, कुछ सिंधिया के साथी बिक गए, सिंधिया बिक गए, सरकार गिर गई। बीजेपी कांग्रेसी बिके ना सिंधिया के साथ में। सिंधिया जा रहे यार, अरे और क्या, कांग्रेसी थे मगर कांग्रेसी सिंधिया के साथ बिक गए। पैसे के दबाव में 70 करोड़ 50 करोड़ 55 करोड़ में लोग बिक गए। नहीं तो अभी तक 5 साल में कमलनाथ जी इतने अनुभवी नेता हैं। मान लीजिए फिर से कांग्रेस ने सरकार बना ली कमलनाथ ने जी, और फिर से बिक गए जाके, अगर तो फिर आपके साथ धोखा हो जाए। वो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे केंद्र इस बात के लिए बड़े नेता सोचेंगे, वो हम बात नहीं कर सकते। वो बात के लिए इतने बड़े अभी हम नहीं हैं, अभी हम किस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के हिसाब से आप हमसे सवाल जवाब पूछो। इस बार मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं? मुसलमानों के सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुसलमानों के ये मुद्दे हैं। क्या खाया आपने, आपसे पूछ के पूछ खाएंगे हम। क्या पहना आपने, मस्जिदों में ये बहुत कुछ, अभी सीओर की वीडियो आई थी आपने सुनी होगी, किस तरह से मुसलमानों को आज टारगेट किया जा रहा है। मगर हम मुसलमान बहुत अजीब तरह की कौम है कि एक मारा फिर दूसरा मारो, फिर एक मारा फिर दूसरा मारो, फिर वही खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। हम इस टाइप के लोग हैं, कुछ लोग हमें ऐसे हैं। कहाँ पे टारगेट किया गया मुसलमान? हर जगह टारगेट, कहाँ नहीं किया आप बताइए, कहाँ नहीं किया? आप तो पत्रकार हैं ना, हम तो पूछ रहे हैं ना चाचा आपसे, कहाँ कहाँ टारगेट हुए हैं ये तो बताइए, कहाँ कहाँ टारगेट आपको किया गया है? अरे भाई, कभी गाय के नाम पे, कभी मस्जिदों के नाम पे, कभी मंदिरों के नाम पे, आप क्या देख रहे हैं दुनिया? हाँ कहाँ चाचा, नाम तो बताइए जगह का, कहाँ कहाँ आप लोगों को मारा गया? भाई आप तो पत्रकार हैं, आपको नॉलेज नहीं है क्या? नॉलेज नहीं, तभी तो आपसे पूछने के लिए आए मध्य प्रदेश। पूरे देश में तो हो रहा है भाई, कहाँ गलत बात कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, पिछले 70 सालों के अंदर सबके पास मोबाइल है, एंड्राइड मोबाइल है। कांग्रेस के शासन काल में 10,000 दंगे हुए हैं और हजारों मुसलमान मारे गए हैं। सबके पास मोबाइल है, हर आदमी सर्च कर सकता है कि पिछले 70 सालों में कितने दंगे हुए हैं देश के अंदर। आप देख लीजिए, भागलपुर का दंगा, इसका दंगा, उसका दंगा, हजारों मुसलमान मारे गए उसके अंदर। किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है पिछले 18 सालों से। आप दंगा बताइए कहाँ दंगा हुआ है, नरेला में बताइए कहाँ दंगा हुआ है। हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी सब सक्षम है और सबका साथ सबका विकास के साथ वोट मांग रहे। कांग्रेस ही झूठ बोलते हैं, कांग्रेस ही ये कहते हैं, उनको मुद्दा तो मिल नहीं रहा तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और मुद्दे से भटकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन दाऊदी है। हाँ कांग्रेस ही थे, पहले कांग्रेस ही थे और अभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सबका साथ सबके विकास के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और अभी आप देखेंगे नरेला के अंदर परिवर्तन है बहुत, अब मुसलमान क्षेत्र से काफ़ी वोट निकलेगा,
मतलब आप कांग्रेसी थे, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी? साथ में कहीं लोगों ने ज्वाइन की है, कहीं लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन की है। और इसीलिए कहिए कि देखिए आप लोगों ने, हम लोगों ने यही बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, उसका इस्तेमाल किया है। क्या हो भैया, धड़ा धड़ वोट दे के जाओ, हमको कुछ नहीं देखना। मुसलमान ने पंजा देखा, और जहां पर कांग्रेस की सरकार देखी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? किसने? राजीव गांधी जी ने खोला। और जब दंगे हुए 92 में तो नरसिम्हा राव की सरकार थी वहाँ पर केंद्र में, जब हजारों मुसलमान मारे गए तो किसने करा? ये केंद्र में सरकार थी, 2 मिनट में सब कुछ कर सकते थे। विकास, आप सुनिए मेरी बात, मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस के साथ में भेद दिखा के, डरा कर, भारतीय जनता पार्टी से भेद दिखा के डरा के वोट लिया जा रहा है कि भैया आओ वोट दे दो हमको, और उसके बाद मुसलमान का कोई वो हितैषी नहीं है यहाँ पर। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है कांग्रेस को, आओ हमें वोट दे जाओ, और कोई विकास नहीं है। जब भाई हमारा कह रहे हैं कांग्रेसी, इनकी हालत जाके देखिए, क्या दिग्विजय सिंह के टाइम पे इनकी कॉलोनी नहीं थी क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर वहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ गड्ढे में सड़क थी, ना लाइट थी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं रहती थी, और हम देखते थे 2 बजे लाइट आएगी तो 8 बजे आएगी, 8 बजे आएगी तो 6 बजे आएगी लाइट, रात में मच्छरों से हम लोग पूरे पीड़ित थे। और आज हमें 24 घंटे लाइट मिलती है, और सुनिए, और फ्री भी मिल रही है। क्या बात है, 150 यूनिट का क्या आ रहा है? अगर 150 यूनिट का, 150 यूनिट का बिल बताइए आप अगर 151 यूनिट जलाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा गरीबों के लिए। मामा के राज में कहा जा रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये भाई आप भाई से पूछिए कहाँ पर टारगेट किया है, कहाँ पर टारगेट मुसलमानों को? देखिए आयुष्मान योजना में सबको लाभ मिल रहा है, गरीबी रेखा के राशन कार्ड में सब गल्ला ले रहे हैं, हिंदू भी ले रहा है, मुसलमान भी ले रहा है, पहले सब कुछ 5 किलो ले रहे हैं, सब ले रहा है, और फ्री में ले रहा है। जब आपकी बारी आए, जब आप बोलना, जब आप हर योजना का लाभ ले रहे हैं। मेरा तो यही निवेदन है सबसे मुसलमानों से कि देखिए समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आज हम लोग कम से कम हमारे बच्चे घर में ये चाहते हैं, हर माँ बाप ये चाह रहा है कि मुसलमान का बच्चा पढ़ने जाए, वो सबसे पहले ये कहते हैं बच्चे को जाओ पढ़ के आओ। शिक्षा जो है आज एकदम बिल्कुल ऐसा हो गई है कि हर चाहे आओ पढ़े, सबको पढ़ाएं। और कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार में मतलब मुसलमान सुरक्षित था और सब कुछ काम किया गया था, आप सुरक्षित था कमलनाथ की सरकार में? नहीं सर, नहीं बोला है सुरक्षित था, भेदभाव नहीं होता था लोगों के साथ, सब समाज को, सभी लोगों को, सभी कौमों को लेके एक साथ चलते थे कमलनाथ जी। आज पक्षपात हो रहा है। और एक मिनट मेरी बात सुने, हमारे भाई ने बोला पहले कमरुद्दीन दाऊदी जी कांग्रेस से पार्षद हुआ करते थे, इस वक्त ये बीजेपी में चले गए। क्या क्या चाचा, क्या क्या भेदभाव हो रहा है ये बताइए। अरे वो, और हमारे भाई ने बताया कि 1.5 साल की सरकार में क्या कराया आपने, तो हमारी कॉलोनी में चलिए आप, ईरानी डेरे में एक एक सड़क मैंने सीमेंटेड बनवाई है, माननीय नहीं मैं अभी तो ये बोल रहे गड्ढे वहाँ पर रखे, एक एक सड़क बनवाई है, अभी ये बोल रहे हैं आधे मेले में बनवाई है, और बाकी बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा वार्ड है। इस वार्ड में जो ये पढ़ाई की बातें कर रहे हैं ना, इस वार्ड के अंदर सरकारी स्कूल भी नहीं है। आप इनकी सरकार नहीं, 77 है वो 77 वार्ड है, ये 78 है, 78 में हाई स्कूल, स्कूल है, हाई स्कूल, हाई स्कूल की बात चल रही है, हाई स्कूल 78 वार्ड स्कूल है कि नहीं? सरकारी स्कूल यहाँ पे 78 में नहीं है, 20 साल की बीजेपी की सरकार में, और 15 साल से माननीय शिवराज विश्वास सारंग जी विधायक एवं मंत्री है। यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे थे ना हमारे अभी भाई, यहाँ शासकीय स्कूल ही नहीं है। इस बार मुसलमानों का मुद्दा ये है टारगेट, अरे टारगेट वाला मुद्दा है कि टारगेट नहीं, सब लोग हम एक साथ रहते हैं। अरे जो हिंदुओं को आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान टारगेट किया जा रहा है, आप हमारे भाई, अरे चाचा अब आप बीच में बोलते हैं, जब क्वेश्चन पूछो तो नहीं बोलना है। आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, आप ही बोल रहे हैं ना इसमें बीजेपी में टारगेट किया जाता है, तो इस बार इस मुद्दे पे चुनाव होगा कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा और बेरोजगारी पे चुनाव होगा, महंगाई पे चुनाव होगा, बेरोजगारी महंगाई इस पे चुनाव होगा।
आप विकास पे चुनाव होगा, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, इतनी बात आपके समझ, हाँ आपके इतनी बात समझ में आती है, दिग्विजय सिंह के समझ में नहीं आती क्या? उनसे बात करो दिग्विजय सिंह जी की, हमसे बात मत करो, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप हमारी हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की बात करो आप हमसे। दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं वो नहीं समझ में आता क्या जी? हमारी कार्यकर्ताओं की बात करो आप, वो जो बोलते हैं PFI सिमी के लिए वो समझ में नहीं, पूछना आप उनसे ही पूछना जाके आप, उससे नुकसान नहीं होता कि आपकी बात नहीं कर रहे हैं जमीन? अरे हमारे रोड नाली सड़क की बात करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं आपके नेता? कराओ करा भाई, कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डराती है, समझा? आप समझ गए, वो सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों का मुद्दा उठाती है ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए और अपना वोट बैंक बना रहे, मुसलमान इधर उधर नहीं भगे, आगे झटक कांग्रेस को वोट दे आग बंद करके, जो 70 सालों से देता आया है, अब वो चलेगा नहीं। मुसलमान अब समझ गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, सोच समझ कर जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो बराबरी की बात करेगा, उसको वोट करेगा। आपका क्या? मैंने आपसे मैं मोहम्मद रईस खान नाम है मेरा, मैं आपसे जो बात कर रहा था उस टाइम मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं पिछले 1995 से लेकर 2022 तक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और सक्रिय कार्यकर्ता रहा, ठीक है। उस ज़माने में ये हमारे बड़े भाई खड़े हैं, ये बता देंगे मेरे बारे में, ये तो खैर नहीं थे, अभी 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 पैदा हुई हैं। मेरा मतलब ये कहने का है, मेरी उम्र 44 साल है, ये कह रहे हैं कि अभी अभी पैदा हुए हैं भाई, बीच में मत कूदा करो बात को, अभी यहाँ पैदा हुए हो आप, अभी पैदा हुए वार्ड में, वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। चलो 2008 से चुपचाप रहिए आप। मेरा मतलब कहने का ये कि यहाँ पे उस जमाने से लेकर आज तक अपन ये देखते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी भी बस्ती में, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म की बस्ती हो, कांग्रेस ने कहीं भी एक रुपए का काम नहीं किया। सत्ता में रही, सत्ता के मजे लूटे, मुसलमान भाइयों का वोट लिया, हिंदू भाइयों का वोट लिया, जीतने के बाद पूरा चादर लपेटी, अपने घर वालों को ऐश करवाए, बाहर घूमे, सब कुछ करा, लेकिन जनता के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा। जिसका वोट लिया उसी का नुकसान करा। आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से लेकर आज तक 18 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है, ये जनता को दिख रहा है। जैसे करौत के अंदर सबसे बड़ी परेशानी थी हमारी ओवर ब्रिज की, जो हर जनता वहाँ से निकलती थी, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सभी निकलते थे वहाँ से, और बारिश में ये हाल हो जाता था कि जो नीचे का अंडर ब्रिज बनाया था उसमें इतना पानी भर जाता था कि आदमी निकल नहीं पाता था, घूम के जाता था। आज कम से कम उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी हो गई करौत के वासियों के ऊपर कि आज कम से कम अपने ऊपर फ्लाईओवर बन गया और लोग आराम से निकल रहे हैं, और जो निकल रहा है वो माननीय शिवराज सिंह जी को और हमारे विधायक जी को वो हमेशा दुआएं देते हुए जा रहे हैं कि आज विश्वास सारंग जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि फ्लाईओवर बना दिया, आज हम कम से कम इसमें से आराम से निकल रहे हैं, हमारे बच्चे आराम से निकल रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या कर दिया, बीजेपी ने कौन सा काम कर दिया है? बीजेपी ने ही तो कराया ना भाई, भाई उस पे से कोई हिंदू निकल रहा है क्या फ्लाईओवर से? आप बताइए मुझे, सभी निकल रहा है ना, हिंदू भाई भी निकल रहा है, मुस्लिम भाई भी निकल रहा है। ये इससे 15 साल 20 साल पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का, ये हाफिज़ भाई मेरे भाई खड़े, ये जवाब दे दे। ये जो आज 1.5 फीट के 2-2 फीट के जो रोड बन रहा है, ये 15-20 साल पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? बीजेपी काम भी करा है और बीजेपी बदनामी भी से, और बीजेपी साहब हिंदू मुसलमान पार्टी है, विरोधी पार्टी है, मुसलमानों को डरा के रखा, नहीं सब गलत है। ये तो एक भय फैलाया जाता है चुनाव के टाइम में, अभी चुनाव आ गया भय फैला दिया ताकि हमारे मुसलमान भाई बेचारे बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझे आप, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो बातों में आ जाते हैं कि हाँ साहब ऐसा होता है, साहब भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 साल में हुआ क्या? 18 साल में हुआ तो बता दो। आज 5 बांटे यहाँ पे, 5 बांटों की कॉन्फ्रेंस ही है, यहाँ 5 बांटों में सभी जगह काम हुआ है, और आज अभी पिछले 4-5-6 महीने से वार्ड नंबर 78 में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, और वो भी मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है।